सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 70। एक समकोण त्रिभुज बनाओ जिसकी परिमिति DE दी हुई है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा था उसमें समकोण में कहीं हमें भुजा दे रखी थी, कहीं पे हमें कोण दिया था, कहीं पे हमें ऊंचाई दी थी। इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, ये कह रहा कि फिर भी एक त्रिभुज बनाओ और उसकी परिमिति दी हुई है DE। तो हमने सबसे पहले एक परिमिति ले लेनी है, क्योंकि एक ही चीज़ दी हुई है हमें, घेरा जिसको अभी तक दे रहे थे वही परिमिति है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं रेखा, ये हमारी रेखा है, घेरा है, ये आपका है DE। इतनी ही हमने दूसरी रेखा लेनी है, ये हमारी है 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर की रेखा है। यहाँ पे 8 सेंटीमीटर की रेखा ले लेते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। अब हमने इसका समद्विबाह विभाजन कर देना है, ये हम लेंगे इसका नाम डी और ई। हमने क्या करना है, डी ई रेखा का हमने समद्विबाह विभाजन कर देना है यहाँ पर। इस तरह से हमने क्या करना है, इसको मिला देना है। इस तरह से आप देख रहे हैं जहां पे ये समद्विबाह विभाजन वाली रेखा आ रही है, पॉइंट आपका आ गया। तो हमने वो पॉइंट से डी जितनी प्रकार खोलनी है, यहां से हमने एक अर्धवृत्त बनाना है। इस तरह से आप देख सकते हैं जहां पे ये समद्विबाह विभाजन वाली रेखा पे कट रहा है, ये पॉइंट आपका आ गया F। हमने E और F को डॉटेड मिला है इस तरह से। आप देख सकते हैं। और हमने क्या करना है, हमारे पास एक कोण बन रहे हैं यहाँ पे, एक कोण ये बन रहा है, इसका हमने समद्विबाह विभाजन कर देना है यहाँ पे। इसको हमने मिला देना है, इस तरह से। और हमने ये जो आपका कोण बन रहा है डी एफ डी सी, इसका भी हमने, एफ डी ई है ये आपका कोण है, इसका भी हमने समद्विबाह विभाजन कर देना है यहाँ पे। से ये आप देख सकते हैं, देखिए जहां पे ये समद्विबाह विभाजन की दोनों रेखाएं कट रही है, पॉइंट आपका आ गया ए। अब आपने क्या करना है, ये जो आपकी रेखा है डी ई रेखा आपकी है, डी एफ ये आपकी रेखा है, इसके समानांतर आपने रेखा खींचनी है ए से। देख सकते हैं यहां से ये आपकी रेखा आ गई है, ये जो आपका पॉइंट है इसका नाम हम दे देंगे बी। इसी तरह से आपके पास एक ई और एफ रेखा है, इसके समानांतर आपने रेखा खींचनी है ए से। ये आप देख सकते हैं, ये जो आपकी रेखा आ गई इसका पॉइंट का नाम हम दे देंगे सी।
ये हमारी डार्क रेखा है और हमने सी और डी को भी यहाँ पे डार्क बना देना है। इस तरह से ये जो आपकी है वो समकोण जो आपका ये आपका एक समकोण बन रहा है यहाँ पे, ये समकोण त्रिभुज आपकी बन के तैयार हो गई है। ये आपका प्रश्न नंबर है 70, ये आपका बन के तैयार। अगला हमारा है 71, 71 प्रश्न नंबर है। एक त्रिभुज बनाओ जिसका आधार बी, दो भुजाओं का जोड़ एस और शीर्ष कोण वी दिया है। तो हमें तीन चीजें दे रखी है। सबसे पहले हम ये तीन चीजें ले लेते हैं। हमें एक दो भुजाओं का जोड़ दे रखा है एस, तो हमने एस के बराबर यहाँ पे एक रेखा ले लेनी है। ये हम रेखा ले लेते हैं, ये हमारी है एस। एक हमने दे रखी भुजा बी, तो हम यहाँ पे एक भुजा ले लेते हैं, ये आपकी भुजा है बी। और एक हमें दे रखा है कोण वी, तो एक कोण ले लेते हैं हम यहाँ पे, इस तरह से ये आपका कोण है। ये कोण है वी। तो हमने क्या करना है, जो हमारे पास एस भुजा एक दे रखी है, दो भुजाओं का जोड़ है, ये हमारी रेखा है 7.5 सेंटीमीटर। हमने 7.5 सेंटीमीटर के बराबर एक रेखा यहाँ पे लेनी है, ये आप देख सकते हैं। इस रेखा का हमने नाम देना है ए टी। तो हमारे पास एक कोण दे रखा है वी, तो हमने इतनी प्रकार खोल के आप देख सकते हैं हमने डी से जो है ये कोण बना देना है इस तरह से। जितना ये कोण हमारा बड़ा है इतनी प्रकार खोलेंगे, देख सकते हैं। यहां से हमने जो है वो चाप लगा देनी है, इसको मिला देते हैं। इस तरह से हम इसको मिला देंगे। ये रेखा हमारी आ गई है ई और ये कोण हमारा आया है वी। हमने क्या करना है, इस कोण का भी समद्विभाजन कर देंगे हम इसका इस तरह से। जहां पे समद्विभाजन हो रहा है ये रेखा हमने मिलानी है, यहाँ पॉइंट को हमने मिलाना है टी के साथ इस तरह से। ये आप देख सकते हैं ये हमने मिला दिया है डी के साथ। अब हमने क्या करना है, जितना हमारा ये बी भुजा दे रखी है इतनी हमने प्रकार खोलनी है और ए से जो है वो इस रेखा को काट देना है यहाँ इस तरह से। जहां पे समद्विभाजन आपकी रेखा आ रही है ये पॉइंट आपका आ गया सी। तो हमने क्या करना है, सी को हमने ए के साथ मिला देना है। इसको हम मिलाएंगे यहाँ से डार्क इस तरह से, डार्क मिलाएंगे। ये त्रिभुज की भुजा आ गई है। हमने क्या करना है, इसके बाद जो आपके पास सी डी रेखा है, ये आपकी सी डी रेखा है, इसका हमने समद्विभाजन करना है इस तरह से यहाँ पे इस तरह से हम इसका समद्विभाजन कर देंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमारा समद्विभाजन हो गया है। अब हम इसको मिला देते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका पॉइंट आ गया है बी, जहां समद्विभाजन वाली रेखा, ये जहां समद्विभाजन हो रहा है ये सी और डी रेखा का, ये पॉइंट आपका है ओ। और जहां पे समद्विभाजन रेखा ए और डी रेखा को काट रही है, ये पॉइंट आपका आ गया बी। हमने बी और सी को भी आपस में डार्क मिला देना है यहां से
हम देख सकते हैं, और ए और बी को भी हमने जो है वो डार्क मिला देना है इस तरह से। और ये हमारा प्रश्न जो है बन के तैयार हो गया है। ये प्रश्न नंबर आपका है 71।